नमस्कार, मैं संतोष शर्मा और आप देख रहे हैं मैं क्यों युक्तिवादी हूँ। आज इस आधुनिक विज्ञान के युग में भी डायन जैसे अंधविश्वास फैला हुआ है। डायन के नाम पे आज भी महिलाओं पे अत्याचार किया जाता है, उन्हें कभी कभार डायन के नाम पे हत्या तक कर दी जाती है। हम आज बात कर रहे असम की, जहाँ डायन विरोधी कानून लागू है, इसके बावजूद डायन के नाम पे, डायन नामक अंधविश्वास के नाम पे महिला पे अत्याचार, जुल्म, हत्या की घटना घट रही है। लेकिन इस बीच डायन नामक अंधविश्वास खिलाफ आंदोलन करने वाली असम की बीरूवाला रावा को भारत सरकार ने पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया। बीरूवाला रावा असम में अंधविश्वास खिलाफ वर्षों से लड़ाई लड़ रही है। बीरूवाला ने डायन के नाम पे पीड़ित महिलाओं को बचाया है और उन्हें अधिकार दिलाने के लिए लगातार संघर्ष करती आई। इसलिए साल 2021 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बीरूवाला रावा को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया। तो ये तो हुई अंधविश्वास के खिलाफ, डायन नामक अंधविश्वास के खिलाफ लड़ाई के लिए सम्मान की बात। डायन नामक अंधविश्वास को खत्म करने के लिए जहाँ वैज्ञानिक युक्तिवादी आंदोलन की जरूरत है, वहीं सख्त कानून की भी जरूरत है। साल 2018 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने असम के डायन प्रताड़ना प्रतिरोध रोकथाम और संरक्षण विधेयक 2015 को मंजूरी दे दी थी। इस अधिनियम के तहत डायन के नामक अपराध को संज्ञेय और गैर कानूनी बताया गया है। इस अधिनियम के तहत अगर किसी महिला को डायन बताकर उन्हें मारा पीटा जाता है तो अभियुक्त को 7 साल की सजा और 5,00,000 रुपए तक की जुर्माना का प्रावधान है। इसके अलावा यदि किसी महिला को डायन बताकर उसकी हत्या की जाती है तो आरोपी को भारतीय दंड संहिता यानी IPC की धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज होगा। आपको बता दूं, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में डायन विरोधी कानून लागू है, लेकिन असम में जो कानून लागू है वह भारत में सबसे कठोर और सख्त कानून है। असम में डायन विरोधी कानून लागू है, इसके बावजूद डायन नामक अंधविश्वास फैला हुआ है। डायन के नाम पे महिलाओं पे अत्याचार, जुल्म ढाया जा रहा है। लेकिन सवाल है, कानून होने के बावजूद समाज में डायन नामक अंधविश्वास क्यों फैला हुआ है? चलिए इस बारे में बात करते हैं सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर दिव्यज्योति सैकिया जी से। The Assam Witch Hunting PPP Act 2015 इस बिल का नाम था, राष्ट्रपति का हस्ताक्षर के बाद भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था पूरा, तो 3 महीना मुझे लगा। तो ये हुआ होने के बाद में थोड़ा बहुत बातें फैल रहा है, और जिस ढंग से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है ना, और कानून के जो विभाग है, उन लोगों को जिस ढंग से अवेयरनेस करना चाहिए कानून के ऊपर, वो लोग नहीं कर रहा है। फिर भी हम लोग जैसा कि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता, मानवाधिकार कार्यकर्ता, अंधविश्वास विरोधी कार्यकर्ता के हिसाब से, और एक एज ए लीडर, तो मैंने काफी जगह हर कहीं पे मीटिंग पे ये कानून के बारे में बोलता हूँ, और धीरे धीरे मीडिया के थ्रो और मेरा जो ये अवेयरनेस है, अवेयरनेस के थ्रू फैल रहा है ये बात, और पहले से काफी कुछ केसेस कम हुआ है, क्योंकि बहुत साल से हम लोग अवेयरनेस भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं है ना इसके खिलाफ, बहुत लोगों को जेल भी भेजा है मतलब कानून के साथ सहायता करके, और अभी पहले से तो कम है, असम में पहले से काफी कुछ कम हुआ है ये कानून होने के बाद। हाँ, ओके, थैंक यू। दिव्यज्योति सैकिया की बातों से स्पष्ट हुआ कि सिर्फ कानून अंधविश्वास को बंद नहीं कर सकता है, अंधविश्वास को खत्म करना है तो वैज्ञानिक चिंतन बढ़ाना होगा, वैज्ञानिक जागरूकता, साइंटिफिक टेम्पर को और भी जन जन तक पहुंचाना होगा, लोगों को बताना पड़ेगा कि डायन का वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं है, डायन एक अंधविश्वास है, ओझा, तांत्रिक, बाबा जी, पाखंडी होते हैं। अगर कहीं किसी महिला को डायन बताकर जुर्म ढाया जाता है तो उन्हें न्याय दिलाने के लिए हमें एकजुट होना पड़ेगा, और जिन लोगों ने उस महिला को डायन बताया है उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जरूरत है। समाज में फैले अंधविश्वास को खत्म करने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य को और ज्यादा ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में फैलाना होगा, जरूरतमंद लोगों को शिक्षित करना पड़ेगा,
लोगों को अंधविश्वास के लिए और ज्यादा जागरूक करना पड़ेगा। असम, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ में डाइन विरोधी कानून लागू है, लेकिन पश्चिम बंगाल में आज भी कोई कानून नहीं है जिसके द्वारा डाइन नामक अंधविश्वास को बंद किया जाए। पश्चिम बंगाल में आज भी कोई डाइन विरोधी कानून नहीं है, लेकिन भारतीय विज्ञान और युक्तिवादी समिति की ओर से राज्य सरकार को चिट्ठी लिखकर पश्चिम बंगाल में भी डाइन विरोधी कानून लाने की मांग की गई है। तो आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए मैं एक युक्तिवादी हूँ, साथ में मैं संतोष शर्मा।